स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल आर वेल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मिस विजया पनाते। आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम हियर टू टीच यू अवर ग्रीन वर्ल्ड ऑफ क्लास 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी यूनिट 1, माई बॉडी एंड मी। चैप्टर 1 अवर बॉडी। विच चैप्टर? अवर बॉडी। Take your pencil and mention C.W. date and day. Which day is today? Mention here. And which date is today? Mention here. Okay. Let's overview the content of this lesson and today's topic. The content are organ, external organ, the head, sense organ, care of sense organ, our limbs, internal organs, activity time and thing to do. These are today's content, lesson content. Okay, and today's topic are organ, the head and external organ. These are today's topic. Before study, you take your highlighter or pencil in your hand and I tell you which sentence is highlighted. You highlight this sentence. Okay, shall we start? Then chapter number 1, our body. Which chapter, student? Yes, chapter number 1, our body. Put pencil on the sentence. Organs. आज हम तीन ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, द हेड। पुट पेंसिल ऑन सेंटेंस। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। हमारा जो शरीर है वो अलग अलग हिस्सों से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर, नोज, आईज, माउथ, हेड, हैंड एंड लेग। दीज आर सो मेनी पार्ट्स मेड अप ऑफ बॉडी। बॉडी अलग अलग हिस्सों से बनी हुई है। दीज आर नोन एज ऑर्गन। इसे क्या कहा जाता है? ऑर्गन। हाईलाइट द सेंटेंस स्टूडेंट। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, दीज आर नोन एज ऑर्गन्स। ओके, एक्सटर्नल ऑर्गन। सम बॉडी ऑर्गन कैन बी सीन, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। कुछ ऐसे शरीर के हिस्से जिन्हें हम आंखों से देख पाते हैं, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेड, हैंड, लेग्स, सेंस ऑर्गन। ऐसे कुछ शरीर के अवयव जिन्हें हम आंखों से देख पाते हैं, जैसे कि हमारा सर है, हमारे ज्ञान इंद्रिय है और हमारे हाथ पैर है, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। अवर हेड द सेंस ऑर्गन एंड द लिम्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन। सर, ज्ञान इंद्रिय और हमारे हाथ पैर, ये हमारे क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन है। देन टॉपिक 3, द हेड। अवर नोज, आईज, ईयर एंड माउथ आर पार्ट ऑफ अवर हेड। नाक, आंखें, कान, मुंह और सर, ये हमारे अलग अलग सर के हिस्से होते हैं। इसे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट द सेंटेंस। अवर नोज, आईज, ईयर एंड माउथ आर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, अवर हेड। ओके, हम इसे चार्ट पे से पढ़ेंगे। लाइक दिस द हेड पार्ट्स, हेयर, आईज, ear, nose and mouth, these are our head parts. ये हमारे सर के अलग अलग हिस्से हैं। Hair, eyes, nose, ear and mouth, these are our head parts. Okay, this is called forehead. जो हमारे सर का आगे वाला हिस्सा होता है, जो मेन हिस्सा होता है ऊपर वाला, उसे क्या कहा जाता है? Forehead. Okay. Our head is made up of a bony box called the skull. हमारा जो सर है वो एक
हड्डियों के बॉक्स से बना होता है ना हुआ है। हाईलाइट दिस सेंटेंस स्टूडेंट, अवर हेड इज मेड अप ऑफ अ बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल। हमारा जो सर है एक हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दिस इज अ स्कल, दिस इज अ स्कल। ये हमारा जो स्कल है ये एक हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कल, या हिंदी में इसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। ओके, अवर ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर दिखाई देता है। और ब्रेन इज वेरी डेलिकेटेड बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ ब्रेन के अंदर रखा जाता है। क्योंकि अगर ब्रेन को कुछ भी होता है, उसे धक्का भी लगता है, उसे हर्ट होता है, तो वो उसे कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारा दिमाग काम करना बंद कर सकता है, या फिर हम बेहोश हो सकते हैं, या फिर हम कोमा में जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट करके स्कल में रखा जाता है। द हार्ड स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये जो हार्ड स्कल है ये ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, वो नारियल के अंदर कोकोनट बॉल होता है, कोकोनट के अंदर कोकोनट बॉल होता है और बाहर से हार्ड शेल होता है। जब तक वो शेल नहीं टूटता है वो कोकोनट बॉल वहाँ से बाहर नहीं आता है। सेम हमारा जो ब्रेन होता है वो इस स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है कोकोनट बॉल की तरह। जब तक इस स्कल को कुछ भी नहीं होता, जब तक हमारा ब्रेन क्या रहता है, सेफ रहता है। द हार्ड स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। द स्कल इज कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड स्कैल। जो हमारा स्कल है उसे हम क्या करते हैं, उसे स्किन से कवर किया होता है। इस स्कल को स्किन से कवर किया होता है, उसे स्कैल्प कहते हैं। द हेयर ग्रो ऑन द स्किन विच कवर द स्कल। और इस स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं। इस स्कल के ऊपर हेयर ग्रो होते हैं। मतलब स्टूडेंट, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो थ्री लेयर प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले है स्कल, उसके ऊपर है स्कैल्प, मतलब हमारी स्किन, और स्किन के ऊपर है हमारे हेयर ग्रो हुए हैं। ओके, आफ्टर क्लास आई गिव यू अ होम वर्कशीट एंड यू हैव टू सॉल्व होम वर्क इन द फेयर कॉपी एंड इट इज़ कंपल्सरी। सी यू सून, बाय बाय।